800 मिलियन का। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है प्राइमरी फियर की एक और नई वीडियो में। एंड गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, एंड अभी मैं जो आज की वीडियो है ना, उसमें थोड़ा सा टेमिंग का काम करूँगा, क्योंकि अपन को फीवोक्स पकड़ना है एंड उसको असेंड करना है। पिछली वीडियो में अपन ने बॉस बैटल की थी, एंड भाई बॉस बैटल बहुत इजी हो गई थी। 15 मिनट की वीडियो बनी थी, 15 से 18 मिनट की पिछली वीडियो। एंड मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को छोटी वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आती है, इसीलिए मैं ट्राई करूँगा थोड़ी सी बड़ी बन जाए ये वाली वीडियो। एंड आज की वीडियो में अपन को ऐसे बहुत सारा काम करना है। एक तो मैं आपको अपने जितने भी डायनोज हैं सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा, अपने पास कौन सा डायनोज है। तो एंड एक मेरे को अभी टेम भी करना है फीवोक्स, तो पहले मैं टेम करूँगा एंड फिर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको। तो मैं देख लेता हूँ कितने जावेल का सेलेस्टियल फीवोक्स। सेलेस्टियल फीवोक्स ये वह भाई, ये कि 900 जावेल का, इसको पकड़ेंगे। इसको पकड़ना है इधर, ओके, अपने बेस के वैसे तो अपने पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड कीबल ले लेता हूँ मैं, कीबल नहीं है मेरे पास, कीबल ले लेता हूँ मैं। एंड भाई इसको असेंड भी कर देंगे आज की वीडियो में ही। असेंड करने के बाद मेरे को देखना है कितना डैमेज देगा ये भाई। मेरे को उम्मीद बहुत ज़्यादा है, अच्छा डैमेज देना चाहिए इसको। 10 सजेशन की भी बनाई थी मैंने, अब अंडे नहीं है भाई अपने पास फेबल्ड। तो मैं सोच रहा हूँ जो फेबल्ड डेंकी है ना, थोड़े बहुत और पकड़ लूँ फेबल्ड डेंकी, ताकि अपने पास अंडे आ जाए ज़्यादा फेबल्ड वाले। ओके, मैं आर्टिकुनो को लेके चलता हूँ, आर्टिकुनो, क्योंकि भाई वॉल लॉर्ड को नहीं लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि वॉल लॉर्ड क्या रहता है, उसको डैमेज देगा, केओस है तो पास में जाते डैमेज देगा। एंड भाई मैं नहीं चाहता जब अपन उसको टेमिंग करें एंड उसको डैमेज मिले एंड वो मर जाए, बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी वो, दैट्स वाई। एंड ये ग्लाइड वाली चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगती है इसकी, आर्टिकुनो की। क्या भाई ये मेगापिथिकस, नॉर्मल मेगापिथिकस है भाई, नूब है ये, ही इज नूब, बिग नूब। एंड गाइज, ये सीरीज बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो बॉस बैटल की आएगी ना, उसमें मैं जितने भी तीनों रहते हैं ना अपने कोलोसस, तीनों को एक ही वीडियो में डिफीट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत ईजी है उनको डिफीट करना। मैं अभी सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, ओरिजिन ब्लड वगैरह एंड आर्टिफैक्ट वगैरह इकट्ठे कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में तीनों को इकट्ठा ही डिफीट करूँगा मैं। एंड उसके बाद सीधा पिकोन रिवेंज वाली आएगी, एंड उसके बाद भाई द एंड सीरीज का, मेरी तरफ से द एंड हो जाएगा गाइस सीरीज का। कुछ नहीं बचता फिर सीरीज में, आप गाइस मेरे को बता देना, लेकिन कुछ बचता है तो फिर भी, बट आई थिंक सो द एंड हो जाएगा फिर सीरीज का। एंड फिर अपन दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, मेगा मोडेड सीरीज, उसमें मैं मल्टीपल मोड्स यूज करने वाला हूँ, जो मोड आपस में कंपेटिबल भी हो भाई। कंपेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोड कंपेटिबल नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अपने को, इसीलिए मैं जितने भी आप मोड्स वगैरह सजेस्ट करोगे एंड अगर वो कंपेटिबल रहते हैं तो कंफर्म पड़ गया इसको, कंफर्म अपन खेलेंगे मेगा बोडिट सीरीज। चल भाई, मेरे को पता तू तबाही मचाएगा अभी, इधर मचा भाई तबाही, जितनी तबाही मचानी है तेरे को, फुल छूट है। 6.9 मिलियन का टोपो इसका हो जाएगा भाई, इजी पीजी टोपो हो जाएगा। 900 एवरेज का ये मैक्स एवरेज का, भाई इससे मैक्स एवरेज नहीं है, क्योंकि ये अपन 30 डिफिकल्टी पे खेलते हैं, दैट्स वाई। टाउन हो गया, चल भाई डाउन हो गया, तो 5 की बजे चाहिए गाई इसको। ठीक, अपन ने 10 बना के रखी थी, 5 से हो जाएगा टेम। एंड आई होप सो ये भाई बहुत बढ़िया डैमेज दे, उम्मीद है मेरे को तेरे से काफ़ी। नेम मैं इसका वही रखूँगा वेवेंजर, क्योंकि भाई वेवेंजर मेरे को नेम इसका पसंद है। ये क्या भाई, इंडोम ओमेगा वैक्स, ओमेगा कीबल है वैसे अपने पास गाइस, क्या बोलते हो, पकड़ा जाए, पकड़ा पकड़े लेते हैं। पावर डाउन कर भाई तू पहले, तो भाई इंडोम आ जाएगा, अच्छी बात है। अभी इसका टॉप हो जाएगा,
भाई जाना टोल पो, जावे टोल पो, वेट। जावे गाइस इसका टोल पो, एंड आई होप सो चला जाएगा इसका टोल पो। भाई ये किससे फाइट है वे? अबे मेरे भाई तू किससे फाइट है वे? यार ये ऐसी गलत लोकेशन पे खड़ा पता है, डिमोनिक बकरी से फाइट है जी गाइस इसने। मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो गाइस अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने ट्राई किया था टेम करने का, बट भाई इसको टेम नहीं होना था। डिमोनिक ओवेसिस से फाइट है ये भाई। क्या भाई सवे मानी चाहिए तेरे को इंडोम, बकरी से मर गया देख रहे हो भाई। इंडोम के नाम पे धब्बा है ये, बकरी से मर गया बताओ भाई। और कुछ नहीं मिला मरने के लिए। ओके इधर आ गए अपन। एंड भाई तू पावर डाउन कर दे सबसे पहले, तो पावर डाउन। ओके एंड अभी चलते हैं अपन अंदर। तो हाँ मेरे को अंदर जाना है क्योंकि मेरे को इसका डेवलप करना है। दो ले लेता हूँ मैं डेवलप के लिए, मैक्स पोशन आ जाएंगे दो। ओके एंड ग्रोन अप इधर नहीं है, ग्रोन अप आई थिंक इसमें एफ एम के स्टेशन में। ओके दो ग्रोन अप भी आ गए हैं, नाइस। ओके चलते हैं अभी नीचे। एंड इंडोम भाई, इंडोम को आप असेंड करने के लिए बोल रहे थे, मैं ट्राई करके देखता हूँ चलो गाइस इंडोम अगर असेंड होता है कि नहीं। कितने लेवल का ये? नहीं ये भी नहीं, बफून फिवोक से ये तो। ओके ग्रिफिन इंडोम। ओके 460 82 स्पार्की अभी तक का हाईएस्ट ये है, बागे 72 एंड 27 ये है सबसे हाईएस्ट इंडोम। मैंने ले लिया इसको ठीक है, एंड मैं देखूंगा इसको सेंड कर पाते हैं कि नहीं अपन। एंड ये मैंने एक हैच किया है, 900 लेवल का था ये। अपना जो अंडा था ना अपने पास इलेक्ट्रिक वाइवन का, ये लाइटनिंग वाइवन का जो अंडा था ना उसका, उससे मैंने इसको हैच किया है। 900 लेवल का हो गया ये एकदम ठीक है। मैंने सेटिंग्स वगैरह एडजस्ट कर दी है इसकी, बहुत जल्दी हैच हो जाएगा अब अंडा। जो अंडा तो क्या, जो अपना बेबी है ना बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसी सेटिंग की है कि बहुत जल्दी लिटरली विद इन मिनट मैच्योर हो जाएगा वो। क्योंकि भाई ये इम्प्रिंटिंग का तो सिस्टम है नहीं, इम्प्रिंटिंग तो एफ एम के वाला जो अपना मोड है उससे 100% इम्प्रिंट कर सकता हूँ मैं, दैट्स वाई। एक तो भाई तू आ जा इधर, एंड एक इंडोम आ जा भाई। एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ डाइनो को असेंड करने वाले दोनों। मेरे को नहीं लगता गाइस इंडोम को असेंड कर सकते अपन, बट फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं, वी कैन ट्राई, ताकि बाद में ये ना हो कि हमने ट्राई करके नहीं देखा था। ये रह जाएगा कि हाँ ट्राई करके देखा था हमने बट हुआ नहीं। अभी देखता हूँ मैं इसको असेंड करके होता है कि नहीं। देखो गाइस असेंड करने का नहीं आ रहा, पावर अप आ रहा है, सेंड नहीं कर सकते क्योंकि इधर असेंड करने का नहीं आ रहा है ठीक है। एंड अब देखना मैं फिवोक्स की इन्वेंट्री में रखूँगा, असेंड करने का आ जाएगा तभी के तभी। ये देखो असेंड डाइनो का आ गया ना ऑप्शन, उसमें नहीं आ रहा था तो मे बी अपन उसको असेंड नहीं कर सकते हैं। सैड लाइफ ये खा भाई तू। अभी 5 मिलियन की हेल्थ थी इसकी, तो हेल्थ में मैं सोचा इसके 70 तक लगा देता हूँ ठीक है। ज़्यादा हेल्थ नहीं रखूँगा मैं इसका, मेले बहुत बढ़ाऊँगा, मेले पे ज़्यादा फोकस रखूँगा मैं इसके। कितना हो जाएगा भाई तेरा मेले डैमेज? एंड सीधा ही असेंड करके जब फाइनल लेवल पड़ेगा ना तब दिखाऊंगा मैं आपको इसका कितना लेवल हो गया है। एक ग्रोन अप, अब तू असेंड हो जा भाई, असेंड डाइनो इट्स टाइम। जी जी इतना ब्राइट से लाइट निकलती है ना जब ये असेंड होते हैं, मज़ा सा आ जाता है भाई एकदम। जी जी डब्ल्यू पी। अब मैं फिर से इसको खिलाता हूँ जो चीज़ें खिलानी है अपन को। ओके मैक्स पोशन दे भाई तू पहले तो। एंड अभी देवी हेल्थ बढ़ाता हूँ मैं। ओके
हाइज तो ज्यादा बढ़ी है गाइस, पिछली बार 40 मिलियन हुई थी तो 46 मिलियन हो गई, 6 मिलियन बढ़ी है इसकी हाइज। इम्पैक्ट पड़ा है, दिख रहा है इम्पैक्ट पड़ा है। अभी मैजे बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ इसका मैजे कितना जाता है एंड फिर ट्राई करके देखेंगे कितना मैजे देता है ये। उम्मीद तो भाई मेरे को अच्छी है, इससे बढ़िया मैजे देगा ये। ओके 55 मिलियन की हेल्थ हो गई है इसकी एंड भाई मैजे भी ठीक ही हो गया है। तो मैं काम करता हूँ, जो मेरे पास एक जा क्यों नहीं गया भाई तू, एक जो डाइनो सेंडेंट है ना मेरे पास, इसको मैं रख देता हूँ वापस, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री में गाइस ये स्पॉइल हो जाएगा एंड अपन किसी और के ऊपर यूज़ कर सकते हैं ये डाइनो सेंडेंट। मेरे को बताना गाइस कमेंट में, देखो इसके ऊपर तो यूज़ हो नहीं रहा है ये डाइनो सेंडेंट, इन डोम के ऊपर तो मैं यूज़ कर नहीं सकता, तो दूसरा कोई डाइनो बताना जिसके ऊपर मैं एक ही असेंडेंट को यूज़ कर सकूँ, क्योंकि इस इन डोम को तो अपन असेंड नहीं कर सकते। सैड लाइफ। ओके अभी मेरे को डैमेज चेक करना वैसे इसका, इधर कुछ है, इधर चुन्नू मुन्नू तो है वैसे। ओके भाई 49 मिलियन का दिया इसने डैमेज, राइट क्लिक से 34 मिलियन का एंड क्या भाई मेरे को बाइट ब्लीडिंग इफेक्ट मिल गया क्या? हाँ ये तो मेरे को याद ही नहीं था, इस पे ब्लीडिंग इफेक्ट भी रहता है। 12 मिलियन का ये अपनी फायर ब्रेथ से देता है। ओके एंड तो कौन धमाके उठा रहा है एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट इसका भाई एक्स अटैक, सबसे पावरफुल रहता है इसका एक्स अटैक भाई, 13 मिलियन का बस, ये क्या बात हुई? नहीं भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव दिस, मैं बिलीव नहीं कर सकता गाइस इस चीज को। इसको किसने भेज दिया भाई, डिमोनिक को किसने मार दिया, पता नहीं भाई किसने मार दिया डिमोनिक को, ये भी मरा हुआ है। इस पे ट्राई करके देखता हूँ मैं भाई, ज्यादा नहीं दे रहा, 17 मिलियन का ही दे रहा है इसका एक्स अटैक, आई डोंट नो व्हाई। ओके मैं पावर अप करके देखता हूँ अब, नॉर्मल भाई 66 मिलियन का दे रहा है ये नॉर्मल जो इसका अटैक है पावर अप के बाद, फायर बैच नहीं भाई, एक्स अटैक दिखा अब कितना देगा भाई, 63 मिलियन का। ओके ओके गाइस मैं समझ गया, ये डिपेंड करता है कि कितना डायरेक्ट हिट करता है अपोनेंट को, अगर डायरेक्ट हिट करेगा तो ज़्यादा डैमेज देगा एंड डायरेक्ट हिट नहीं करता तो ज़्यादा डैमेज नहीं देगा। फायर ब्रेथ। ओके ये राइट क्लिक से 90 मिलियन का दिया इसने, राइट क्लिक वाले अटैक से एंड अभी बचा एक अपना फायर ब्रेथ भाई, उसको भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, लगे हाथ, डैमेज देखो अच्छा दे रहा है ये एंड अभी मैंने इसको भगा के डैमेज चेक नहीं किया, इसका भगाने के बाद कितना डैमेज इंक्रीज होता है, 16 मिलियन का देता है फायर ब्रेथ का अटैक। तो भाई ओरिजिन तो इसके आगे बच्चे हैं, देखो मैं बता देता हूँ, ये ओरिजिन को इजी पेल सकता है, इंडोम एम्पर को भी पेल सकता है एंड गार्डियन को नहीं मार सकता। देखो गाइस मैं बता देता हूँ, गार्डियन को नहीं मार सकता है क्योंकि लैंड का है वो एयर के, इसको बहुत पेलेंगे गार्डियन, बहुत गंदा पेलेगा इसको, गार्डियन को नहीं मार सकता ये, बाकी लैंड के मार सकता है ये। कोलोसस को भी मैं भी नहीं मार सकता क्योंकि भाई कोलोसस की हेल्थ तो बहुत ज़्यादा रहती है एंड उसके मिनियंस आते हैं तो डैमेज ज़्यादा देंगे उसके मिनियंस, दैट्स वाई। नाइन्टी नाइन मिलियन का, अभी देखते हैं गाइस मैं इसको भगाता हूँ, डैमेज नहीं लगा भाई, सैड भाई 500 मिलियन का, सीरियसली अभी तक का सबसे हाईएस्ट डैमेज दे रहा है, पता है गाइस ये, मेरे को इसको पूरा रन अप करने दो, देखने दो कितना डैमेज देता है ये, देखने दो गाइस मेरे को, अब कुछ फीलिंग सी आ रही है मेरे को गाइस, ये बहुत गंदा डैमेज दे सकता है। मुझे प्लेन रन अप चाहिए, ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे रन अप ले सके अपन,
619 मिलियन का दिया गाइस इसने भाई, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है ये इस हिसाब से तो। 800 मिलियन का, अराउंड 900 मिलियन का डैमेज दे दिया भाई इसने। क्या 1 बिलियन का देगा ये? आई डोंट थिंक सो 1 बिलियन का देगा ये। बाकी ट्राई जाके देख लेते हैं। रह गया भाई ये, थोड़ा सा लेके आता हूँ मैं वेनअप पीछे से। ओके यहाँ से लेके चलते हैं वेनअप। अब देखते कितना देता है ये भाई। बंदा दे रहा है ये 800-900 मिलियन का दे सकता मैक्सिमम, जितना मेरे को लग रहा है उससे ज़्यादा नहीं दे सकता गाइज ये। 900 मिलियन से ज़्यादा नहीं देगा गाइज ये, मेरे को ऐसा लग रहा है डैमेज। ओके मैं ट्राई करके देखता हूँ इसका हार्ट जो है ना ये फुल करके देखता हूँ मैं, हो जाए तो। ये पत्थर क्यों उड़ते हैं बीच में? डैमेज भाई वैसे बहुत गंदा दे रहा है ये, पता है ये 800 मिलियन का डैमेज बहुत ज्यादा होता है पता है वैसे, 800 मिलियन का डैमेज। भाई 800 का पहुंचा नहीं है इसका, कंप्लीट हर्ट फुल फील करना पड़ेगा मेरे को इसका तब जाएगा। नहीं गया भाई। ओके मैं और भगाता हूँ इसको, और स्पीड चाहिए अपने को। ओके इधर ब्रूड मत है भाई, इसके अगेंस्ट ट्राई करके देख सकता हूँ मैं। यार मेरे को प्लेन एरिया नहीं मिल रहा पता भागने के लिए, दिक्कत ये है मेरे को एक एरिया नहीं मिल रहा प्लेन भागने के लिए जिसपे मैं भाग के टेस्ट कर सकूं वन शॉट की जगह जिससे मेरे को पता चल चुका है 894 मिलियन वन शॉट की जगह ये मेरे को पता चल चुका है। बहुत ताकतवर है ये भाई, सबसे ज़्यादा डैमेज देता है ये लैंड के डाइनोज में ना, सबसे गंदा डैमेज देता है ये भाग के बहुत गंदा डैमेज देता है ये। ओपी है एकदम ये। GGWP है भाई ये, इसका नेम रख देता हूँ मैं वेवेंजर, चेंज नेम वेवेंजर ठीक है, इसका नेम हो गया गाइस जी। ओके एंड अभी मैं आपको अपने डाइनोज दिखाता हूँ सभी, कितने कितने डाइनोज अपने पास, सभी डाइनोज दिखा देता हूँ मैं आपको। आ जाओ भाई जितने भी हो सभी लोग आ जाओ। ओके एंड पैवेट नहीं रखूँगा, पैवेट को मैं वापस रख देता हूँ भाई। पैवेट ये अपने दूसरे टाइप के डाइनोज हैं, इनको मैं यूज़ नहीं करता, जो मेन डाइनो है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एंड बफून इंडोम ग्रिफिन एलिमेंटल पैरेट नहीं चाहिए भाई, टाइम पास के लिए एलिमेंटल पैरेट। वैसे मैंने अंडे के लिए पकड़ा था इनको कभी, बट भाई अंडा इन्होंने कभी दिया ही नहीं मेरे को, दैट्स वाई। एंड अभी मैं एक काम करता हूँ ऊपर सामान रख के आ जाता हूँ पहले ठीक है, एंड फिर देखते हैं। एंड इधर इसमें कुछ सामान रखना है मेरे को, बोस एसेंस ये रखना है, सोल रखनी है मेरे को, एंड ये रखना मेरे को, ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये भी जाएगा। एंड इनको थ्रो कर देते हैं, ये अपने को नहीं चाहिए, फालतू की चीज़ें हैं ये, नहीं चाहिए अपने को। ओके एंड ओके ओके डोकी, इसमें क्या रखना है, इसमें मेरे को कीबल रखनी है,
ये की बस आ गई अपनी सजेस्टियल एंड इसमें आ जाएगा ये एलिमेंट को मैं रख देता हूँ इसके अंदर। ये एलिमेंट आ गया, ये बैनर भी आ गया। ठीक है गाइस, आई थिंक सो गाइस सब कुछ हो गया, रेडी है एकदम अपन टूर के लिए। डाइनो टूर बोल सकते हैं आप इसको। एंड मैं इसको एक काम करता हूँ, ट्रैकर खिला देता हूँ अपने फिवोक्स को। भाई ट्रैकर नहीं खिलाया मैंने इसको, ये ट्रैकर खा भाई तू, ताकि जब मैं चाहूँ तेरे को मैं अपने पास बुला सकूँ। तो गाइस अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को दिखाना डाइनोज अपने पास कौन से डाइनोज है अभी तक, क्योंकि सीरीज एंड होने वाली है तो पता हो जाना चाहिए गाइस आपको कि अपने पास कौन से डाइनोज है। ओके बफून फिवोक्स है ये, मैक्स लेवल का गाइस ये, जब मैंने इसको पकड़ा था तो ये मैक्स लेवल का था। ठीक है भाई, एकदम हाई लेवल का बफून फिवोक्स है ये। पता नहीं ये रेंडर नहीं हो रहा है अभी। हाँ रेंडर हो गया भाई। ओके एंड ये डेडोन पकड़ा था मैंने, डिमोनिक डेडोन। ये भाई मैक्स लेवल का नहीं था जब मैंने इसको पकड़ा था, बट 800 प्लस था ये जब मैंने उसको पकड़ा था। ये एक इंडोम अपना, ठीक है ये एक और इंडोम है, ये एक और इंडोम है। इंडोम देखना अभी कितने होंगे। ये एक और इंडोम है, ये एक और इंडोम है। ठीक है आई थिंक सो इतने इंडोम अपने पास। एंड मेरे पास वैसे 6 या 7 पड़े हुए अभी टेम करने वाले पड़े हैं इंडोम के मेरे पास, उनका मैंने अभी तक टेम नहीं किया क्योंकि अपने पास सजिस्ट्री कीबल के ये अंडे नहीं आ रहे फेबल्ड, इसीलिए मैं उनको टेम नहीं कर रहा। मैंने तो भाई इंडोम हो जाते अपने पास 10 से 12। ये इतने सारे इंडोम है, ये पेगासस है, डिवाइन पेगासस है ये। एंड ये अपना बंदर है जिसको मैंने पकड़ा था, मैक्स लेवल नहीं इसको डेवलप नहीं किया मैंने। एंड भाई ये अपना है स्पिरिट वाइवन, कैसे भूल सकते हैं गाइस इसको, एकदम मस्त चीज़ है ये। थोड़ा सा आगे खड़ा कर देता हूँ इसको। ओके इधर ठीक है भाई, इतने डाइनोज अपने पास, इस जो अपना ये शील्ड है ना इसके अंदर नहीं आएंगे इतने डाइनोज अपने पास। एक और ये स्पिरिट वाइवन, ठीक है एंड अभी तो एक और होना चाहिए अपने पास आई थिंक सो। ये क्या भाई, ये वो है अपनी रीपर एम्प्रेस क्वीन है, एक ही है ये। मैंने ज़्यादा पकड़ी नहीं थी गाइज क्योंकि इसका क्या सीन रहता था, ये ग्लिच अप हो जाती थी जैसे मैं इसको डाउन देता था ना, तभी ये अंदर ग्राउंड के अंदर चला जाता था, तो फिर मैंने इसको पकड़ा नहीं है ज़्यादा। ये डेडोन है, डेडोन क्या डिमोनिक हाइना डोन है ये अपना, लेवल अपनी कर रखा मैंने। अच्छा मैक्स लेवल है उसका, मैक्स लेवल कर रखा उसका। ये अपना है ब्लेजिंग मैग्मा केओस वाइवन, ये है अपना सजेस्टियल, ये स्पाइनो है, ये भी मैक्स लेवल का। वैसे मैं स्पाइनो को असेंड कर सकता हूँ गाइज, आप मेरे को कमेंट्स में बोलिए ना स्पाइनो को असेंड करूँ या ना करूँ। इस स्पाइनो को असेंड कर सकता हूँ ऐसे मैं। एंड ये एक रैक्स है, वैसे इसको भी मैं असेंड कर सकता हूँ, रैक्स या स्पाइनो में से गाइज मेरे को बताना किसको असेंड करूँ मैं। एंड ये क्या निकल के आया है भाई, ये को सजेस्टेड अपना वो है मैजिक रखा था मैंने इसका नेम सजेस्टेड फीवोक्स। ये कम लेवल का, ये ज़्यादा लेवल का नहीं है गाइस, ये बहुत कम लेवल का है, नेवर माइंड इसको। एंड ये है अपना बफून मैगाथीवियम, ये मैंने कम लेवल, ये स्टार्टिंग में पकड़े थे तब के हैं, ये कम लेवल के पकड़े थे तब मैंने। एंड ये बफून फीवोक्स, ये भी स्टार्टिंग वाला ही है। एंड ये क्या भाई, ये ग्रिफिन है सजिस्टिक ग्रिफिन, ये भी स्टार्टिंग वाला सजिस्टिक ग्रिफिन है। फायर गोल्ड फोल्जन है ये, एंड डिवाइन भी था अपने पास जितना मेरे को याद है। डिवाइन 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 डिवाइन, ये वह देखो ये वह डिवाइन अपना पेगासस, डिवाइन पेगासस है क्योंकि दो लेजेंडरी पेगासस थे अपने पास, एक फोल्जन था एक डिवाइन था, तो दोनों को मैं पास में खड़ा कर देता हूँ। ठीक है गामा बंद कर देता हूँ। एंड ये दोनों अपने पैगसस हैं भाई, क्या निकल के आया है। ओके गीगा किधर जा रहा है ये भाई, कहाँ जा रहा है भाई तू भाई, किस भाई अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है ये, आई डोंट नो व्हाई बट अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है गाइज ये। ओके
रुक गया। चलो इसका नेम वेस गोड रखा था मैंने, गीगा का नेम। एंड ये अपना केओस ग्रिफिन है, वार लॉर्ड है जिसका नेम। अब क्या, ये अपना पैरासोर है, डिस्ट्रॉयर रखा था मैंने इसका नेम। भाई डिस्ट्रॉय कर देता है ये जो भी इसके सामने आए उसको। ये डेथ है, जो भी इसके सामने आता है उसको डेथ डेथ प्रोवाइड करता है, ये मौत दे देता है उसको। एंड भाई ये अपना एक और है केओस वाइवन, भाई इसका नेम मैंने ब्लेजिंग सोल रखा था। भाई जला के रख देता है किसी की भी आत्मा को, जला देता है ये किसी की भी सोल लो उसको जला देता है ये। एंड ये अपना रेनबो क्वीन है, ग्रिफी कौन है, ये मेरे को बहुत पसंद है भाई, पर्सनली बहुत पसंद है। इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे को इस चीज़ का डर रहता है ये मर ना जाए, क्योंकि पीछे मर गया था ये। एंड मैंने इसको ये रिकवरी से निकाला, इसको सोल बोल रिकवरी से, दैट्स वाई। एंड ये एक और अपना वो है स्पिरिट वाइवन, टोटल तीन स्पिरिट वाइवन अपने पास। ओके इतने ही थे अपने पास डाइनोस, इसको मैं इस पे रख देता हूँ भाई। एंड थोड़े बहुत इधर बचे, ये आर्टिगुनो है अपना असेंडेड सेलेस्टियल ग्रिफिन है, ये मैक्स लेवल का है, ये इससे ऊपर लेवल का आप कर ही नहीं सकते सर्वर में। इसमें सिंगल प्लेयर जो मैं खेल रहा हूँ ना, इसमें इससे मैक्स लेवल का हो ही नहीं सकता ग्रिफिन, तो बिल्कुल मैक्स लेवल का है ये ग्रिफिन। एंड ये अपना अभी पकड़ा अपन ने लेटेस्ट रेवेंजर सेलेस्टियल फीवोक्स, ये भी मैक्स लेवल का है। एंड ये अपना वो है लाइटनिंग वाइवन। एंड एक थाइलो कोरियो भी मैंने आपको बताया नहीं है, ये थाइलो कोरियो अपना, ये मैंने कल की वीडियो में पकड़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो कल की नहीं आई थिंक परसों की वीडियो में पकड़ा था मैंने इसको, एंड अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो आप। एंड ये अपना करप्टेड सेलेस्टियल असेंडेड वैक्स है, ये भी भाई बहुत बढ़िया डैमेज देता है। किधर बम ब्लास्ट हो रहा है भाई, किसको अपनी मौत से प्यार, अब किसको जिंदगी से प्यार नहीं है भाई, मेरे को नहीं पता। बट भाई अगर कोई अब हरकत करता है ना तो उसका मरना तय है। ये देखो इतनी डाइनोज अपने खा जाएंगे भाई ये उसको। एंड मैं पता है क्या सोचा, पहले तो मैं सोचा था सभी डाइनोज को जो वो रहेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, पिकोन रिवेंज रहेगा, उसके ऊपर खुला छोड़ दूंगा सबको। बट आपने जैसे बोला कि वो कॉपी बनाता है, क्लोन बनाता है भाई, तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं एक एक करके यूज़ करूँगा डाइनोज को, वरना सभी के क्लोन बना के रख देगा भाई वो, मेरे डाइनो आपस में लड़ते रहेंगे तो उससे कौन लड़ेगा, तो ये नहीं करूँगा मैं। एंड अभी कुछ डाइनोज बचे हैं जिनको अभी अपन हैच करेंगे, मैं अभी दिखाता हूँ उनको। ओके इन सभी को अभी मैं करता हूँ भाई हैच। भाई अभी दिखाता हूँ मैं आप गाइज आपको, अभी ये कुछ बचे हुए हैं मास्टर पीसीज बोल सकते हो आप इनको। भाई और कौन बचा, कोई और बचा है क्या बता दो, कोई और बचा हो तो गाइज ठीक है। ओके नहीं है कोई और, यप आई डोंट थिंक सो, मेरे को नहीं लगता कोई और है वैसे, यप नहीं है कोई और। ठीक है तभी ये वो डाइनोज है जिनको अपने अपन को अभी टेम करना है, ठीक है इनका भी मैं टेम करता हूँ। ये अपने भाई बॉस लेवल डाइनोज है सभी के सभी। ये आ गया अपना बेबी एपेक्स इंडोम वैक्स है भाई, ये मैच्योर हो रहा है देखो अभी भी, देखो गाइज मैंने इसकी बहुत तेज़ कर रखी है मैचुएशन स्पीड, अभी भी देखो कितनी स्लो हो रहा है। नॉर्मल अगर आप इसकी मैचुएशन स्पीड को इंक्रीज नहीं करते हो ना तो ये मैच्योर होगा भाई आपका कंप्लीट एक दिन में, असलियत का जो एक दिन रहता है ना उतना खा जाएगा ये, एफ के रहना पड़ता है इतना टाइम के ये। एंड भाई इतनी देर तक कौन है एफ के रहे भाई, ये है इसको मैं, ओके ये मैंने क्लेम कर रखा है इसको क्योंकि ऑलरेडी क्लेम रहेंगे। ये अपना नोवादा डिस्ट्रॉयर है भाई। एंड जिस मैंने आप सभी को डाइनोस दिखा दिए हैं तो इंडोम जितने भी अपने इंडोम है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मेरे को किस किस का नेम सजेस्ट करना आप, ठीक है। एंड क्योंकि मैं ओसाइन गाइस सभी का नेम रख दूंगा। एक और नोवादा डिस्ट्रॉयर है ये अपना, एंड एक और नोवादा डिस्ट्रॉयर है, एक और नोवादा डिस्ट्रॉयर,
एक और नोवादा डिस्ट्रॉयर। ये है भाई अपना क्रिएटर, क्रिएटर है ये, मछली है। एंड भाई ये इफेक्ट देख रहे हो ऊपर भाई, नेक्स्ट लेवल है लिटरली इफेक्ट, ये नेक्स्ट लेवल का इफेक्ट है ये गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ। जो ये इफेक्ट दिख रहा है ना ये अभी ऐसे, ये नेक्स्ट लेवल का इफेक्ट है। एंड अभी बचे हैं गाइस अपने पास डाइनो, टेंशन मत लो, अभी और भी बचे डाइनोज। एंड अगर मैं इंडोम सभी टेम कर लूँ तो और भी आ जाएंगे अपने पास। एंड एक और क्रिएटर, एक और क्रिएटर, एक और क्रिएटर। ओके यही थे अपने पास डाइनो गाइस। तो इतने सारे डाइनोस है गाइस अपने पास, तो मेरे को जितने भी नोवादा डिस्ट्रॉयर है सभी का नेम सजेस्ट करना। टोटल अपने पास गाइस कितने नोवादा डिस्ट्रॉयर है, अपने पास है एक भाई, बहुत ज़्यादा डाइनोस हो गए हैं पता है, एक दो तीन चार, टोटल आई थिंक पांच नोवादा डिस्ट्रॉयर है अपने पास, क्योंकि पांच अपने पास डिस्ट्रॉयर सोल है ना, तो पांच नोवादा डिस्ट्रॉयर है, पांच क्रिएटर है, तो 10 नेम तो ये हो गए। ठीक है गाइस, एंड मैं इनको वापस, रुको मैं को देखना पड़ेगा इधर क्या है पास में भाई। ओके भाई हेल्थ कितनी है, 51 मिलियन की हेल्थ डिफॉल्ट है इसकी, पिकोंदा क्रिएटर की, वाह भाई। एंड 10 तो देखो वो नेम हो गए, एंड इंडोम कितने अपने जिनका नेम नहीं रखा हुआ मैंने, एक इसका बफून का भी नेम बता देना मेरे को, मेगाथीवियम का। एंड इस इसका फिवोक्स के, दोनों फिवोक्स का नेम बता देना, दोनों बफून फिवोक्सिस का नेम, इसका भी नेम बता देना। एक स्पार्की तो रखा हुआ मैंने इसका नेम, दो तीन चार, चार अपने सजेस्टर इंडोम है जिनका नेम नहीं रखा हुआ मैंने, तो चार सजेस्टर इंडोम का नेम बता देना मेरे को। एंड हाँ इतना ही है, तो कुल मिला के आपको गाइस कितने नेम बताने हैं आपको, 20 के अराउंड नेम बता देना मेरे को, 20 नेम कमेंट्स में, 20 नेम मैं सभी डाइनोज को रख दूंगा, एक एक नेम, या ज़्यादा मत बताना ठीक है, सो ज़्यादा नहीं कहते। पांच डिस्ट्रॉयर के नेम, पांच क्रिएटर के नेम एंड चार इंडोम के नेम, बस ये नेम बता देना आप मेरे को, ज़्यादा है और किसी का नेम रखना ही नहीं है अपन को, ये नेम बता देना गाइज मेरे को आप ठीक है कमेंट्स में, कि ये सभी डाइनोज अपने। एंड भाई ये आसमान में देखो तबाही मचा के रखी हुई, अभी मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, अभी ऊपर से दिखाता हूँ मैं, एक मिनट वेट करो गाइस। एंड गाइस जाने के लिए मेरे को घूम के जाना पड़ेगा भाई, रास्ता नहीं है जाने का। ओके मिल गया रास्ता मेरे को, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड थोड़ा थोड़ा जाएगी जाएगी सा फील हो रहा है मेरे को, पता है इतने डाइनोस जो है ना, इतना वेंडर कर रहा है गेम, तो काफ़ी जाएगी सा फील हो रहा है मेरे को हल्का हल्का, बट ठीक है। ये देखो गाइस देख रहे हो, अब एक बार इमेजिन करके देखो, अगर ये पिकोन रिवेंज कॉपी ना करे डाइनोज को, ये क्या भाई इधर सही है भाई, ये अपना आइस वाला है, अगर इन सभी डाइनोज को पिकोन रिवेंज कॉपी ना करे तो कितने कितना टाइम लगेगा इन सभी डाइनोज को उसको पिको नो इसको पिकोन रिवेंज को मारने में, मेरे को कमेंट्स में गैस करके बताना आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा अगर वो कॉपी ना करे। एंड मैं सभी को मैक्स लेवल करके खुला छोड़ दूँ उसके ऊपर डिफीट करने के लिए, अग्रेसिव बिहेवियर करके इनको छोड़ दूँ खुला, तो कितनी देर में मार देंगे अपने जितने भी सभी डाइनोज है उसको, कमेंट्स में बताना मेरे को गाइस। एंड कॉपी करता है वो साइड जी, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ जो अपन स्टार्ट करेंगे ना, मैं स्टार्ट करूँगा उससे फाइट करना इसके साथ, ये क्या बोलते अपने स्पिरिट के साथ स्टार्ट करूँगा मैं उससे फाइट देना। एंड उसके साथ अगर स्पीड का देखूंगा डैमेज कितना देता है, अगर स्पीड उसको ज़्यादा डैमेज नहीं देता ना तो अपन ट्राई करेंगे यूज़ करने का केओस को, केओस तो भाई पक्का मेरे को पता है उसकी हेल्थ दबा के खाएगा, स्पीड का मेरे को जो आइडिया नहीं है कितनी हेल्थ खाता है। देखो गाइस पीछे जा जो बॉस बैटल की थी ना उसमें अपने केओस ग्रिफिन ने
3 3 बिलियन की हेल्थ खाई थी उसकी, मेरे को पता है 3 बिलियन हेल्थ खाई थी उसने स्टार्टिंग में एक अटैक में। भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है 3 बिलियन हेल्थ, लिटरली बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है 3 बिलियन हेल्थ, तो बहुत ज़बरदस्त है। अपने डायनोस तो देखो भाई सभी एकदम ओपी। एंड एक वो है एल्डर मोस्टॉप, इसको मैं बताना भूल गया, ये भी मैंने टेम किया था। ये मैंने फाइबर बेरीज वगैरह कलेक्ट करनी हो ना उसके लिए टेम किया था, तभी नीड नहीं है। एंड बाकी ये डाइनोज अपने कुछ अंडे के लिए रखे हुए हैं, बोसीज हैं। वैसे तो देखो गाइस मैं केओस पकड़ना चाहता था इन सभी के वेरिएंट, बट मेरे को यार एपेक्स ड्रैगन नहीं मिल रहा है एक भी। दिखाता हूँ मैं आपको ड्रैगन, ये देखो गाइस एपेक्स ड्रैगन नहीं है एक भी, एंड मेरे को एपेक्स ड्रैगन चाहिए तभी मैं जो आगे नेक्स्ट लेवल का होता उसको अंडा निकाल पाऊँगा, उसका एपेक्स एग निकाल पाऊँगा, एंड केओस या जो स्पिरिट ऑर्ब रहता है उसको बना पाऊँगा, केबल को बना पाऊँगा, क्योंकि उसके अंदर अपने को एपेक्स एग लगेगा। तो एपेक्स अपने पास है नहीं अभी ड्रैगन, दैट्स वाई, तो उसके ऊपर मैं कुछ कर नहीं सकता गाइस। बट हाँ बाकी इतने सारे डाइनोज हैं अपने पास। एंड मेरे को गाइस आप कमेंट्स में नेम जरूर सजेस्ट कर देना, ये फिर से बता देता हूँ मैं, 5 क्रिएटर के नेम, ठीक है, 5 डिस्ट्रॉयर के नेम एंड 4 इंडोम के नेम, ठीक है। ये अभी अपने डाइनोज है कलेक्शन में, तो ये सभी नेम सजेस्ट कर देना गाइज मेरे को। एंड भाई इतने मैसअप होके रखे हैं ये सभी, तो आई थिंक सो गाइज फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं ऊपर जाता हूँ इसके मुंह पे, ठीक है इधर, ठीक है। तो आई थिंक सो गाइज आज की वीडियो के बस फिर इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।